नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन जागरूकता एवं सैनिटाइजर रथ को पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र कुमार विश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवेंद्र कुमार विश्नोई ने कहा, कोरोना तीव्र गति से फैल रहा है, सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, आयोजन में शामिल ना हो, घर में रहे, सुरक्षित रहे, आवश्यक काम हो तभी घर से निकले। इस रथ से भरतपुर शहरवासियों को राहत मिलेगी एवं जागरूक होंगे। कोरोना के तृतीय चरण से बचना है तो दोनों चरण घर में रखें, हो सके मास्क दो लगाए। पार्षद कपिल फौजदार ने कहा कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी कोरोना वैक्सीन जागरूकता एवं सैनिटाइजर रथ द्वारा आमजन को जागरूक करेंगे एवं सैनिटाइजर किया जाएगा। 8-10 दिन पूर्व से मैं एक और मेरी टीम द्वारा बैटरी चालित हैंड मशीन द्वारा सरकारी कार्यालय, वैक्सीन सेंटर, मोचधाम, कोविड-19 जांच केंद्र, हॉस्पिटल, जिन घरों में कोविड-19 मरीज हैं एवं सूचना प्राप्त होने पर सैनिटाइजर किया जाएगा, ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। इस मौके पर राजेश शर्मा, आकाश फौजदार, उदय शर्मा, पुष्पेंद्र वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। करना ही बहुत जरूरी है, लोगों को कई चीजें भ्रांतियां हैं उनको दूर करना जरूरी है, और कोरोना से कैसे बचा जाए वो भी मैं पढ़ रहा था कल। यदि आपको तीसरे चरण से बचना है तो दोनों चरण घर पे रखें। तो ये जो है मतलब ये कि आप घर पे रहें, बाहर ना निकलें, अनावश्यक ना निकलें, और अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है वो फॉलो करें। मास्क में जो होते डबल मास्क लगाना और सैनिटाइज करना और फिजिकल डिस्टेंस भीड़ भाड़ की वजह से बचना। तो सैनिटाइजेशन के पर्पज से इन्होंने जो है ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रथ से और इसके इनके जो ये मुहिम है इससे भरपूर वासियों को फायदा होगा और लोग इससे जो है खुशी से।